कमिश्नर कराची हमारे पास, कमिश्नर साहब आते हैं, एसडीएम आते हैं हमारे पास, दुकानदारों को हमारे तंग करते हैं। अच्छा। और तंग करते हैं कि जी आप 800 बेचो या 900 बेचो, कैसे बेचें? वो यहाँ पे आके तंग करते हैं, यहाँ पर नहीं आते, नहीं होलसेल मार्केट में नहीं आते, वो दुकानदारों को तंग करते हैं, दुकानदारों को चालान करते हैं। वो तो महंगा खरीद के लाएंगे, वो कैसे देंगे? जब वो यहाँ से 1050 ले जाएंगे तो वो कैसे बेचेंगे? उनको घर में ही पड़ता है 1100 रुपए किलो, क्योंकि यहाँ से ले जाने के बाद सफाई होगी, कन्वेंस है, उनके अखराजात है, 1100 पड़ता है तो 1200 बेचते हैं बेचारे। तकरीबन 80% जो है इस कराची में यहाँ से माल सप्लाई होता है। होलसेल जो माल बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 42,000 रुपए मन, 1050 रुपए किलो। भाई अगर एक हफ्ते के लिए गोश्त खाना छोड़ दिया जाए ना, बहुत सस्ता हो जाएगा, मगर आवाम हमारी कोई चीज छोड़ती नहीं है, जो चीज शॉर्ट होती है उसके पीछे ज्यादा लगती पीछे है। भागने पे ये नहीं मिली, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांग के निकालना है। निकाल, हमें पैसे बढ़वाना चाहिए, जो है ना पैसे बढ़ाओ बढ़ाओ, नहीं ये मसले का हल नहीं है। एक चीज महंगी हो रही है उसको बंद कर दो खाना। भाई देखिए महंगाई भी तो आवाम ने कराई है ना, आवाम नहीं खाए गोश्त वो ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। ये भी ये महंगा हो रहा है, ये बिक रहा है और आवाम ले रही है, हम लेने आ रहे हैं, हाँ हमसे नहीं लेगी, हम इनसे नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक गोश्त सस्ता हो जाएगा। आप यहाँ से 600 रुपए किलो लेके जा रहे हैं, वहाँ पे क्या किलो बेचेंगे? कम से कम 700-800। बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ पे दुकानदार कहते हैं वीडियो में तो आ रहा है 600 रुपए किलो बिक रही है, तो हम ही बेच करते हैं। 1800 रुपए किलो दुबई वगैरह में इधर बिक रहा है। इस कराची की आवाम तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें आपको बता रहा ना, यहाँ पर ही हमारा गोश्त 1150-1150 रुपए किलो मिल रहा है, अब हम दुकान पे 1200 रुपए बेच रहे हैं ना, हमारे को 12 खा रहे हैं। हम भी चाहते हैं आवाम गोश्त लेना छोड़ दे, हम यहाँ से लेना छोड़ दे। खर्चा कितना आता है यहाँ से? 200 रुपए किलो पे। अगर हम उनको 1100 भी देते हैं तो उनका 1300 पड़ रहा है, फिर उनको 500 रुपए किलो पे बच रहे हैं। सारी आवाम मर रही है ये बार्गेन फॉर स्पोर्ट के चक्कर में। जी 600 रुपए किलो होलसेल में, दबान 300 रुपए किलो है, मगर 600 का भी और 1000 रुपए का भी है, 1000 रुपए के चार। 40 साल हो गए इस मार्केट को, ये एशिया की हमारी सबसे बड़ी मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो भाई आज सुबह मैं आप लोगों के लिए गोश्त के अपडेट लेने के लिए मौजूद हूँ। 6 बजे ये मार्केट लगती है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है लालू खेत 9 नंबर की, जहाँ से बल्क क्वांटिटी में बड़े बड़े जो जानवर हैं बछिया का गोश्त यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ये पूरी मार्केट्स में जाता है। लालू खेत 10 नंबर जिसकी हम लोग होलसेल की मार्केट की वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे भी जाता है, हर जगह सप्लाई होता है। अभी के जो रेट चल रहे हैं यहाँ पे 42,000 रुपए मन और 1150 रुपए किलो चल रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या रेट है और क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या आगे मतलब महंगा चल रहा है गोश्त, तो क्या इसका हल निकालेंगे? यहीं पे जो लोग हैं जो सेल कर रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं और आपको बताते हैं। चलें जी, यहाँ पर भी गोश्त जो है ना बिक रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हम एक बार फिर आगे रेट लेने के लिए, और हम तो सुन रहे थे हड़ताल वगैरह हो रहे, रेट इतने ज्यादा चल रहे हैं गोश्त के। आपने देखा नहीं था बीच में कितने धम तो हुए हैं? क्या क्या सिचुएशन चल रही है वही तो पूछने आए हैं। भाई देखो, मैंने पहले भी आपको कहा था ये हमारा काम जो खाता है ये बाहर वाले खाते हैं, बाहर वाले खाते हैं। अब हमारे पैसे की आपके सामने कोई समझे हक खाते हैं वैल्यू नहीं है। अभी ये गोश्त है 1800 रुपए किलो दुबई वगैरह में इधर बिक रहा है, इसमें खर्चा कितना आता है यहाँ से? 200 रुपए किलो पे। अगर हम उनको 1100 भी देते हैं तो उनका 1300 पड़ रहा है, फिर उनको 500 रुपए किलो पे बच रहे हैं, बचते हैं। हमारी आवाम मर रही है ये बार्गेन फॉर स्पोर्ट के चक्कर, उनको फायदा हो रहा है यहाँ पे। लोग जो चीज पाकिस्तान में लोगों के फायदे के लिए लोगों को मिल नहीं रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप? ये बंद हड़ताल करना चाहिए, हम ही करेंगे तो कुछ होगा? भाई अभी आपने देखा नहीं खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है? हड़ताल हुई, लोग रोडों पे बैठे, कितनी कीमतों में फर्क आया, आपने देखा? आपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हमें करना चाहिए, करना चाहिए। हम लोग हड़ताल करेंगे तो कुछ होगा, एक हफ्ता बिल्कुल छोड़ दें, लेने छोड़ दें। मेरे ख्याल में हम इन लोगों का कहना ये कि एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम भी बहुत ढीट है। अगर एक दिन दो दिन गोश्त नहीं खाएगी, एक हफ्ता नहीं खाती, आप एक हफ्ता अगर हम यही कहते कि एक हफ्ता आप बायकॉट कर दें ना खाएं, तो फिर देखें कैसे गोश्त के रेट, जैसे हमने सोलर के रेट कम करवाए आपके सामने हमने बायकॉट किया, कल वाली वीडियो में हमने बायकॉट किया, क्यों ना हम गोश्त का भी बायकॉट करें? भाई हमें नहीं खाना है, इतना महंगा गोश्त हमने खाना ही नहीं है। उसके बाद आप देखिए कम कैसे नहीं होगा, जब गोश्त ऐसे सड़ रहा होगा तो फिर कौन खरीदेगा? भाई आप क्या कहते हैं, बायकॉट करना चाहिए आवाम को ही करना चाहिए? भाई अगर एक हफ्ते के लिए गोश्त खाना छोड़ दिया जाए ना, बहुत सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा जी।
मगर आवाम हमारी कोई चीज छोड़ती नहीं है, ढीट है। जो चीज शॉर्ट होती है उसके पीछे ज्यादा लगती है। पीछे भागने पे ये नहीं मिली, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढाल के निकालना है, निकाल लेती है। हमने मर जाएंगे, हमें पैसे बढ़वाना चाहिए, जो है ना पैसे बढ़ाओ बढ़ाओ, नहीं ये मसले का हल नहीं है। सही है, एक चीज महंगी हो रही है उसको बंद कर दो खाना खरीदना, बायकॉट कर दे एक हफ्ते के लिए। हमने आपको पता है जगह जगह सोलर का बायकॉट कर रहे हैं हम लोग, किस तरह हम उसके रेट नीचे लेकर आ गए थे, इंशाल्लाह दोबारा लेकर आएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि गोश्त के रेट भी हम नीचे लेकर आए। इस मार्केट की लोकेशन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि लोग खुद से आए, फंक्शन भी होते हैं, ज्यादा गोश्त चाहिए होता है, तो यहाँ की लोकेशन समझाते हैं। भाई जितनी तकरीबात के लिए यहाँ पे गोश्त लिया जाए, ये होलसेल की मार्केट है, इधर आपको बहुत फायदा होगा। और फिर यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, बेईमानी नहीं है, अपने मतलब की चीज मिलेगी और दुकानों से तकरीबन 200 रुपए किलो में कम मिलेगी। सुबह कितने बजे मार्केट लगती है? सुबह 6 से 9। 6 से 9 बजे। और ये जगह कौन सी है? लियाकताबाद 9 नंबर। लियाकताबाद 9 नंबर में इस वक्त हम लोग मौजूद है। आप यहाँ से 600 रुपए किलो लेके जा रहे हैं, हम वहाँ पे क्या किलो बेचेंगे? कम से कम 700-800। बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ पे दुकानदार कहते हैं वीडियो में तो आ रहा हूँ 600 रुपए किलो बिक रही है, तो हम बेच करते हैं यहीं से आके ले जाओ। हाँ तो मैंने बोला भाई वहीं से ले लो जाके, फिर मैंने बोला वो तो जाहिर है होलसेल का मार्केट है। खरीदने आए हैं जी? अच्छा, ये दुकानदार है या लेने लेकर आए हैं? लेने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं। जाहिर है इन्हें भी रेट इतना ही मिलता है, इन्होंने आगे सब खर्चा निकाल के सेल करना होता है। भाई बढ़ेंगे 2000 रुपए के चार। 9000? 4000? 2000 के चार? 2000 रुपए के चार पाए। भैंस के ये? भैंस के? ठीक है, भैंस के पाए हैं। और यहाँ पे कलेजी वगैरह भी है? कलेजी भी होती है, सिंह भी होते हैं, मगज भी होते हैं। क्या रेट है वो? कलेजी 600 रुपए किलो होलसेल में, जबान 300 रुपए किलो है, मगज 600 का भी और 1000 रुपए का भी भैंस का। सही, तो ये ताजा ताजा सुबह आता है, सेल हो जाता है सारा, सब दुकानदार ले आते हैं। अभी चला जाएगा ये? अभी सब चले आए, मेरे ख्याल में पहले से ऑर्डर होता है आपके पास। सही, दुकानदार ले आते हैं ना, सब अपनी रोजी कमाते हैं, यहाँ चले आइए। सही, यहाँ से जो है ना होलसेल रेट पे लोग लेकर जाते हैं। और जी, तो यहाँ पे भी भाई खड़े हुए हैं, यहाँ पे लेने के लिए आए हुए हैं। जी भाई, कहाँ से आए आप लेने के लिए? सही, काफी दूर से आए हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं महंगाई इतनी हो रही है, सब यही रोना रो रहे हैं कि महंगा तो महंगाई भी तो भाई देखें, महंगाई भी तो आवाम ने कराई है ना, आवाम नहीं खाए गोश्त, गोश्त ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। ये भी ये महंगा हो रहा है, ये बिक रहा है और आवाम ले रही है, हम लेने आ रहे हैं, आवाम हमसे नहीं लेगी, हम इनसे नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक गोश्त सस्ता हो जाएगा। मतलब बायकॉट तो बनता है इसका, बाकी कराची की आवाम तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हमें आपको बता दो ना, आप यहाँ पर ही हमारा गोश्त 1100-1150 रुपए किलो मिल रहा है। अब हम दुकान पे 1200 रुपए बेच रहे हैं ना, हमारे को 12 खा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं हम गोश्त लेना छोड़ दें, हम यहाँ से लेना छोड़ दें। आपको भी महंगा ही मिल रहा है, आप भी मतलब सभी परेशान है। देखिए लेने के लिए आया, बाकी इन्होंने सही बात की है भाई, आवाम ही महंगा करने वाली है। आप लोग ना खाए 2 दिन करके देख ले सिर्फ, जब गोश्त ऐसी सड़ा होगा तो कौन खरीदेगा, फिर नीचे कैसे नहीं आएगा उसका रेट? ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे पहले तो इस मार्केट का थोड़ा सा रिव्यू दें, किस टाइम कब से ये मार्केट है और क्या पूरे कराची में सप्लाई होता है यहाँ से? 40 साल हो गए इस मार्केट को, ये एशिया की हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, लियाकताबाद 9 नंबर की मार्केट कहलाती है ये, और तकरीबन 80% जो है इस कराची में यहाँ से माल सप्लाई होता है। सही, तो अभी क्या रेट चल रहे हैं? अभी हम भी यही सुन के आए कि रेट ज्यादा हो गए, रेट ज्यादा हो गए। रेट अभी जो चल रहे हैं यहाँ पर, हम लोग होलसेल जो माल बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 42,000 रुपए मन, 1050 रुपए किलो, जिसमें दुकानदार यहाँ से गोश्त लेकर जाता है, फिर उसकी सफाई वगैरह होती है, चर्बी हटती है, कुछ वो शिलिंग होता है, सूखता है, फिर ले आके वो बेचता है, तो वो बेच रहा है 1200 और 1400, 1200 रुपए हड्डी वाला बेच रहा है और बगैर हड्डी का। बछिया की गोश्त की बात हो रही है ना आपके, इसमें पाड़ा है, ये जो भैंस है, भैंस का गोश्त नहीं है इसमें, और ये बछिया के गोश्त की बात हो रही है। गोश्त की बात हो रही है, तो ये तो रेट काफी ज्यादा हो गए। रेट इसलिए हो रहे हैं ना ज्यादा कि आप एक्सपोर्ट को रोकें, आपका वफाक का काम ये कि एक्सपोर्ट को रोके ना, कि एक्सपोर्ट पे रोके, रोके नहीं तो एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाए, टैक्स ज्यादा लगाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अब एक्सपोर्टर जो है, हम मार्केट में माल लेने जाते हैं तो एक्सपोर्टर वहां पर 1100 रुपए किलो माल खरीद रहा है और बेतादाद माल जा रहा है। चले बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट हो रहा है, मुल्क का फायदा हो रहा है, लेकिन रेट तो गवर्नमेंट उनका भी तयन करे ना कि भाई इसको रेट को फिक्स करें, आप 900 रुपए की खरीदारी करें या 800 करें। कमिश्नर कराची हमारे पास, कमिश्नर साहब आते हैं, SDM आते हैं हमारे पास, दुकानदारों को हमारे तंग करते हैं। अच्छा। और तंग करते हैं कि जी आप 800 बेचो या 900 बेचो, सही है 900 बेचो या जो भी XYZ, लेकिन
कैसे बेचें? वो यहाँ पे आके तंग करते हैं, यहाँ पर नहीं आते, नहीं होलसेल मार्केट में नहीं आते, वो दुकानदारों को तंग करते हैं, दुकानदारों को चालान करते हैं। जाहिर है वो तो महंगा खरीद के लाएंगे, वो कैसे देंगे सस्ता? जब वो यहाँ से 1050 ले जाएंगे तो वो कैसे बेचेंगे? उनको घर में ही पड़ता है 1100 रुपए किलो, क्योंकि यहाँ से ले जाने के बाद सफाई होगी, कन्वेंस है, उनके अखराजात है, 1100 पड़ता है तो 1200 बेचते हैं बेचारे। ये भी देखिए क्या कहें, हमारी जो मुआशरा है उसका अलमिया है कि ये भी एक टॉपिक है कि एक्सपोर्टर्स है ये, इनका कहने बात ये है कि पूरी वर्ल्ड में ये होता है कि आपकी अगर पब्लिक के लिए जो चीजें बच जाती हैं या ज्यादा होती हैं तो वो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। यहाँ पर तो हमारा ही आवाम का गला काट रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है और एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे 41,000-42,000 रुपए मन गोश्त का रेट मिला है और किलो का हिसाब भी इसी तरह डिफरेंट है, 1050 को 1100 रुपए, 1050 और कुछ 1100 रुपए किलो सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको ये ताजा गोश्त चाहिए यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर गोश्त के रेट आप लोगों ने कम करवाने तो हमें वो कहते हैं ना 100 बातों की एक बात, हमें बायकॉट करना पड़ेगा। जब तक हम गोश्त खाना छोड़ेंगे नहीं तो रेट कैसे कम होंगे? जैसे और चीजें आप लोग कम करवाते हैं ये भी कम करवा सकते हैं, फिर हम लोग खुद ही रोते हैं कि जी यहाँ पे यहीं से महंगा गोश्त लेकर जाते हैं। शॉपकीपर्स हमने बात की है, वो यही कह रहे हैं कि हमें लोग कहते हैं आप इतना महंगा गोश्त बेच रहे हैं, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है, वो यहाँ से आ रहे हैं और बस देखते हैं कुछ तो बस थोड़ा थोड़ा लेकर चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में रेट तो यही चल रहे हैं। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। लियाकताबाद 9 नंबर की ये मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। आप लोग यहाँ आके गोश्त किसी फंक्शन वगैरह के लिए भी ज्यादा अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग यहाँ से होलसेल रेट पर लेकर जा सकते हैं। तो फिर आती हूँ इंशाल्लाह दोबारा किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।